कोरोना हुआ तो एक महानायक को बीमारी हो गई कोरोना, लेकिन उनके बीमारी होने पर कुछ अजब सी चीज क्या दिखाई दी, अगर कवि की निगाह गई हो तो फिर आपकी तालियां मेरे, निवेदन करता हूं सुनेगा चार पंक्तियां, इधर के लोग भी थोड़ा सा जुड़ेंगे तो अच्छा लगेगा। कि मजबूरी में कभी जो बंद हुई थी किताब प्रीति का, वो पृष्ठ फिर खोल क्यों लिया गया, सुनेगा चार पंक्तियां, क्या अजब से दृश्य दिखाई दी, अगर कवि की निगाह गई हो अभिनेता जी के बारे में, अगर वहां तक बात पहुंची ना पहुंची लेकिन आपके मन तक जरूर पहुंचे। कि मजबूरी में कभी जो बंद हुई थी किताब प्रीति का, वो पृष्ठ फिर खोल क्यों लिया गया, जिनके बिना थे कभी जीते नहीं एक पल, इतने बरस जाने कैसे है जिया गया, यौवन में भले एक साथ नहीं रह पाए, संभालिएगा अगली पंक्ति, यौवन में भले एक साथ नहीं रह पाए, अब जाके उपहार उनको दिया गया, निकले तो अमिताभ थे कोरोना पॉजिटिव, रेखा जी के बंगले को सील क्यों किया गया, निकले तो अमिताभ थे कोरोना पॉजिटिव, रेखा जी के बंगले को सील क्यों, आप लोगों की दृष्टि को मैं प्रणाम करता हूं, क्या कल्पना की है आप लोगों ने। चार पंक्तियां और सुनिए, दादा ने जैसा बताया कि मैं तरोताजा विवाहित पुरुष हूं, उभरता हुआ पति, जैसे दादा उभरते हुए वरिष्ठ है, मैं निवेदन करता हूं चार पंक्तियां सुनेगा, निवेदन कर रहा हूं सुनेगा, हालांकि मेरा दुख यही है लालगांव वालों, मैं जब मेरे पिताजी बताते हैं कि जब तुम पैदा नहीं हुए थे तब भी दादा ऐसे दिखते थे जब मैं पैदा हुआ तब भी दादा को ऐसे देखा, फिर मेरा बचपन बीता तब भी मैं दादा को ऐसे देखते बड़ा हुआ, अब मैं जवान हो गया हूं तो भी दादा को ऐसे देख रहा हूं, अब मेरे ये समझ में नहीं आ रहा कि दादा अपनी जवानी को रोक के रखे कि जब हम लोग वरिष्ठ हो जाएं तब तक क्या, लेकिन एक बार इस देश के बड़े मंच संचालक, जोरदार तालियां उनके सम्मान में बजनी चाहिए, ये हमारा सौभाग्य है कि हमारी सहजता, हम सबके लिए उन्होंने अपनी सहजता दिखाई और हमारे एक छोटे से निवेदन पर वो लालगांव जैसी जगह पर आ गए हैं जिन्हें शायद आज देश के बड़े मंचों पर जाने की फुर्सत नहीं होती है, एक बार जोरदार तालियां उनके सम्मान में बजा दीजिए। चार पंक्तियां सुनेगा, मैं तरोताजा विवाहित पुरुष हूं, वहीं से बात उभरता हुआ पति जैसा मैंने बताया, सुनेगा कि मैंने एक शादी शुदा मित्र, ये ओज का कवि है राम, मैं खोज का कवि हूं, मैंने चार पंक्तियां खोजी कि आखिर दूल्हा घोड़े घोड़ी पे ही बारात क्यों जाता है, गधे पे क्यों बारात नहीं जाता, चार पैर का तो गधा भी होता है, लेकिन अंतिम पंक्ति में आपको पता चलेगा कि दूल्हा गधे पे क्यों नहीं जा सकता है, सुनिएगा चार पंक्तियां। कि मैंने एक दिन वो मुझसे कह रही थी, कहीं जानते हैं आपको पाने के लिए मैंने 16 सोमवार के व्रत रखे, मैंने कहा अगर वो ना रखती तो, बोली फिर आपसे भी गया गुजरा मिलता। मैंने एक दिन और कह रही थी, कहीं जानते हैं आपको शादी से पहले मैं आते जाते देखती थी, आपको शादी के पहले भी मैं बहुत अच्छी तरह जानती थी, मैंने कहा जब इतना आते जाते देखती थी तो आखिर क्या देख करके तुमने मुझसे शादी की, बोली नहीं एक दो बार मैंने आपको आपके घर में बर्तन मांजते हुए देखा था। सुनेगा चार पंक्तियां, सुनेगा निवेदन करता हूं। कि मैंने एक शादी शुदा मित्र से ये पूछा, यार तुम ये बताओ दूल्हा घोड़ी पे क्यों जाता है, उसने कहा जो यार याद मत दिलाइए, सोच कर उस दिन को आंसू आ जाता है, राज की बात मैं तुमको बता रहा हूँ, हालांकि कुंवारों को न बतलाया जाता है, अंतिम बार घोड़ी पे वो चढ़ता बेचारा है, उसके बाद खुद ही गधा बन जाता है। आप लोगों ने जितने मन से तालियां बजाई हैं, मुझे लगता है कि जैसे मैं आपका सबका चरित्र चित्रण बांच रहा हूं। आइए हंसी ठाके पूरी रात के लिए हैं, लेकिन चार पंक्तियां मैं अच्छी भी सुनाना चाहता हूं, मुझे तो आप सुनते रहते हैं, मैं आपके घर का बेटा हूं, इन बड़े लोगों को सुनना है, लेकिन चार पंक्तियां कुछ अच्छी बातें चलते चलते सुनाना चाहता हूं। चार पंक्तियां कोरोना के बाद एक दृश्य और क्या दिखाई दिए हैं, मैं देखना चाहता हूं कि आपकी दृष्टि गई, इन बच्चों को थोड़ा सा बैठा लें जिनके भी हो, माता जी लोग थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो बच्चे बैठ जाएंगे। चार पंक्तियां सुनाता हूं, कुछ लोग गांव लौट करके आए हैं, लाल गांव वाले आपके गांव में भी लौट करके आए होंगे, ध्यान रखिएगा संकट काल में अगर सबसे ज्यादा आपको कोई काम आता है तो आपकी जननी और आपकी जन्मभूमि आपको काम आती है। क्या बात है? मैं निवेदन करता हूं कि कौन कौन लोग गांव लौट कर आए हैं, अगर एक एक पंक्ति में आपने दृश्य देखा हो तो मैं पंक्तियां समर्पित करता हूं, आपका आशीर्वाद देखता हूं कि लाल गांव मेरा शहर कविता पर भी ताली बजाता है कि नहीं, मैं इन बड़े लोगों की अगुवानी पर हूं। कि कष्ट दे रही बहुत सीख दे रही है, किंतु इस बीमारी से कई राज गांव आ गए, संभालिएगा पंक्ति मेरी, लाज रखिएगा, मैं इन बड़े लोगों को कविता सुनाने के लिए बुलाया हूं अपने शहर पर,
कि कष्ट दे रही बहुत सीख दे रही है, किंतु इस बीमारी से कई राज गांव आ गए। माटी की पवित्रता को कहते देहाती थे जो, शहरों से होके वो नाराज गांव आ गए। बूढ़ी माँ ये सोच रही, उसको नहीं पता है कि क्या है। बूढ़ी माँ ये सोच रही बेटे उससे मिलने को छोड़कर सारा काम काज गांव आ गए। बाप की चिता को आग भी जो देने नहीं आए, मरने के डर से वो आज गांव आ गए। बहुत बहुत आभार लालगांव, बहुत बहुत आभार। बाप की चिता को आग भी जो देने नहीं आए, मरने के डर से वो आज गांव। चार पंक्तियां और समर्पित करता हूं। ये कुसंस्कार टीवी से जो चलकर हमारे आंगन तक आए हैं, ये कुछ कुछ खो रहे हैं हमारे घर से। इन्हीं कुसंस्कारों का कुप्रभाव है कि आज माँ बाप अपने बच्चों से ये उम्मीद नहीं करते कि मेरा बेटा मुझे खाना देगा या नहीं, बल्कि इस बात की भी चिंता करने लगे हैं कि मेरा बेटा मेरी चिता को आग देगा या नहीं। मैं चार पंक्तियां समर्पित करता हूँ, समृद्ध मंच निवेदन करता हूँ, सुनेगा। कि खुशियां न पूछो यार पुत्र पैदा होने पर, परिवार वाले लोग नाचते वगाते हैं। बेटे की सवार ने बेटे के पैदा होने से लेकर अंतिम तक की आपको झलक दिखाता हूं। एक एक पंक्ति पर बदलेगा स्टेप, सुनिएगा, निवेदन करता हूं। आज ठीक लगे तो आशीर्वाद दीजिएगा, वरना जुमले पूरी रात के लिए मेरे पास है। कि खुशियां न पूछो यार पुत्र पैदा होने पर, परिवार वाले लोग नाचते वगाते हैं। बेटे की सवारने के लिए जिंदगी को रोज, माता पिता सपने भी कितने सजाते हैं। वक्त का ये खेल देखो बेटे जब कमाने लगे, समय बदला। वक्त का ये खेल देखो बेटे जब कमाने लगे, सपने माँ बाप के वो आंसू बन जाते हैं। और अंतिम पंक्ति में एक शब्द का दो अर्थ में प्रयोग किया है, अगर अंदर तक झकझोरे तो फिर पीछे तक हाथ खोलिएगा। वक्त का ये खेल देखो बेटे जब कमाने लगे, सपने माँ बाप के वो आंसू बन जाते हैं। कंधे पे पिता ने जिन बेटों को घुमाया कभी, कंधे पे पिता ने जिन बेटों को घुमाया कभी, वही बेटे आज कंधा देने में लजाते हैं। कंधे पे पिता ने जिन बेटों को घुमाया, लेकिन ये रीवा सपना की माटी है, यहाँ संस्कार ज्यादा होता है दादा। हमारे पड़ोस में एक सज्जन दिवंगत हो गए, संस्कार रीवा सपना के हम पचे यहाँ हैं, हम पचे ज्यादा संस्कारवान हैं। हमारे पड़ोस में एक सज्जन दिवंगत हो गए तो उनके दो बेटे थे। बड़ा वाला बोला कि छोटू तेरही की तैयारी करे ना तुम, हम तब तक आते हैं इलाहाबाद। छोटू चलो, बड़ा वाला चला गया। अब वो थोड़ी सी लौटा, देर से लौटा, तो चाचा लोगों को संकट हुआ कि अभी तक ये कहाँ था। वो गया वहां, जाम लगा 10 किलोमीटर पहले नैनी में, तो वहीं नाले में पिताजी को निपटा के चला आया। जब लौट के आया तो सब पूछे कहीं भैया कहाँ थे अभी तक। बाबूजी रात को सपने में आए थे और कह रहे थे कि हमको लाला गंगा जी नहीं पहुंचाया। वो ज्यादा संस्कारवान था। कहा चाचा हमको यही बाबूजी की आदत पहले से ही अच्छी नहीं लगती। जब यहाँ 150 किलोमीटर शिकायत करने चले आए, 10 किलोमीटर इलाहाबाद बचा था तो नहीं जा सकते थे। मैं सुनिएगा एक कविता समर्पित करके अपना स्थान लेता हूँ। इन लोगों को आपको सुनना है एक कविता जो अमित को इन बड़े लोगों के साथ उठने बैठने के लायक जिसने बनाया। मैं निवेदन करता हूँ, आज महिला दिवस भी है और एक मातृशक्ति मंच पर विराजमान है, सामने भी मातृशक्तियां मुझे दिखाई दे रही है। मैं एक कविता 2 से 2.5 मिनट की पढ़कर अपना स्थान लेता हूँ। निवेदन करता हूँ, सुनेगा। मैंने ताली आपसे बजवा ली है, वाह करवा लिया है, बस मेरे मन तक पहुंचेगा, चित्र बनाइएगा, 2 से 2.5 मिनट सुनेगा। जब मैं पति बना तो हर पुरुष का सपना होता है पति बनने के बाद पिता बनना। जब एक कवि पिता बनना चाहा तो कवि की कल्पना कहां से कहां तक गई। आपका मन चाहता हूं 2 से 2.5 मिनट के लिए, एक बार तालियां देकर मुझे आदेशित करिए। निवेदन करता हूं, मंच का भी आशीर्वाद चाहता हूं, सुनेगा। कि कल रात मैंने एक सपना देखा, सपने में कोई अपना देखा, एक अजनबी सी सूरत थी, देखने में बड़ी खूबसूरत थी, मैंने पूछा क्यों मौन हो तुम, प्यारी ये तो बताओ कौन हो तुम। बोली अभी तक धरती ने मुझे जाना नहीं, पापा क्या आपने भी मुझे पहचाना नहीं, मैं बहुत ही जल्द किलकारी मारने वाली हूँ, आपकी बेटी बनकर धरती में आने वाली हूँ, आंसू खुशी के छलकने लगे, पिता पुत्री जब सपने में मिलने लगे, मैंने कहा कन्यादान, मैं उस बच्ची से क्या कह रहा था, मैंने कहा कन्यादान महादान है, ये वेदों की शिक्षा थी, और किसी बेटी का पिता बनूं ये मेरी भी इच्छा थी, इसलिए
मेरे सारे दुख दारिद्रों को हर जाओ, बिटिया लक्ष्मी बनकर आ मेरे घर जाओ, तुम्हारे आने पर खुशियां मनाऊंगा, नाच गाना और जलसा कराऊंगा, तुमको कांधे पर बिठाऊंगा, पालने पर झूला झुलाऊंगा, उंगली पकड़कर स्कूल पढ़ने ले जाऊंगा, पढ़ा लिखा कर बड़ा अफसर बनाऊंगा। अरे आओ देखो तो बेटी मेरा देश कितना खूबसूरत है। धीरू भैया मैं उस बच्ची को इस माटी का गुणगान सुना रहा था, मैंने कहा अरे आओ देखो तो बेटी मेरा देश कितना खूबसूरत है, जहाँ हर बाला देवी की मूर्त है। अरे जब कोई अपने सत्कर्मों का फल पाता है तब वह इस धरा पर जन्म लेकर आता है। इतना सुनते ही कविता का यू टर्न मारिएगा, इतना सुनते ही उसकी सिसकियां फूट पड़ी और वो गुस्से से मुझ पर टूट पड़ी। अगली पंक्ति पर शायद आपके गुस्से की तालियां आएंगी लालगांव, बोली इतना सुनते ही उसकी सिसकियां फूट पड़ी और वो गुस्से से मुझ पर टूट पड़ी, बोली सच है पापा, सच है कवि देवता पैदा हुए थे इस देश में, अब तो बस दरिंदे घूमते हैं यहाँ इंसानी वेश में, अब तो बस दरिंदे घूमते हैं यहाँ इंसानी वेश में। 3 साल की बच्ची, 5 साल की बच्ची सुबह अखबार पढ़ने उठी है तो रोकते खड़े हो जाते हैं। ऐसे समाज की कल्पना हमने तो क्या परमात्मा ने भी नहीं की होगी। अंतिम 4-6 पंक्तियां पूर्णाहुति रखता हूँ। अंतिम 4-6 पंक्तियां बोली सच है कभी देवता पैदा हुए थे इस देश में, अब तो बस दरिंदे घूमते हैं यहाँ इंसानी वेश में। आप कहते हैं यहाँ कन्या देवी मान ली जाती है, फिर क्यों उसी देवी की अस्मत लूट ली जाती है। मैं जैसे ही अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी, वो बच्ची क्या कह रही थी अंतिम 4-6 पंक्तियां विदा करिएगा कि मैं जैसे ही अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी आपको पता भी नहीं चलेगा कब बड़ी हो जाऊंगी, पिता के लिए पुत्री कभी बड़ी नहीं होती है। मैं जैसे ही अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी आपको पता भी नहीं चलेगा कब बड़ी हो जाऊंगी। अरे आपका कलेजा तो उस वक्त दर्द से मचल जाएगा जब कोई भेड़िया आपकी खिलखिलाती कली को कुचल जाएगा और आप उस भयानक दर्द को फिर सह नहीं पाएंगे और उस घटना के बाद समाज में इज्जत से रह नहीं पाएंगे। इसलिए क्षमा कर देना, हम सब रोज बिटिया मांगते हैं महिला दिवस पर, लेकिन उस बच्ची का दर्द हे पिता क्षमा कर देना। मांगना तो भले कुछ मांग लेना ईश्वर से तुम, लेकिन भूल से भी औलाद अपनी बिटिया ना मांग लेना तुम। धिक्कार है अंतिम 4 पंक्तियां विदा करिएगा, धिक्कार है जहां लोग जानवर से भी बदतर सोच पालते हैं और एक मासूम बच्ची के शरीर को नरपिशाच नोच डालते हैं। आप जैसे कई पिताओं के सपने, विदा करिएगा अपनी तालियों से कि आप जैसे कई पिताओं के सपने, क्या किया था मैंने दामिनी गुड़िया बिट्टू आसिफा ट्विंकल तमाम उन बच्चियों के पिताओं ने एक सपना ही तो देखा रहा होगा। आप जैसे कई पिताओं के सपने यूं ही टूटते रहेंगे जब तक समाज में बेशरी दरिंदे आवारा घूमते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह।